तो आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से अटूडी में। आज हम डिस्कस करने वाले जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1.5% से भी ऊपर की तेजी दिखा चुका है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा था। स्टॉक काफी समय से इस दायरे को ब्रेक आउट नहीं दे रहा है। ऊपर में जो स्टॉक में एक रुकावट रेंज है वो 2.40 रुपए पर है। 2.40 रुपए को स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर नीचे में एक सपोर्ट लेवल है 1.90 रुपए। 1.90 रुपए स्टॉक में देखें तो लगभग 3 टाइम्स है। यहाँ पर स्टॉक ने 2 बार इस प्राइस को रिटेस्ट किया है और यहाँ पर 1 बार, तीनों बार स्टॉक ने सेम प्राइस रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में अगर आप एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 1.90 रुपए का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के टारगेट 2.40 रुपए शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 2.90 रुपए के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 2.40 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।